सत श्रीकाल जी सारे की हाल चाल मुझे तुम ठीक हो गए बिल्कुल मेरी तरह। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने पूरी तरीके से देख लिया है, तो ये वाली वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे जेडी व्लॉग्स और सुपर बाइक के जितने भी डीलर हैं जो कि जेडी व्लॉग को टारगेट कर रहे हैं, जेडी व्लॉग उनको टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो सारी बातें जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई और आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। तो भाई सारी बातें बताऊंगा क्योंकि जो जेडी व्लॉग है वो आधी बातें बताता है और आधी बातें नहीं बताता। तो दोस्तों जितने भी सुपर बाइक डीलर हैं उनमें से कुछ जेन्युइन है, कुछ फेक भी हैं और दोस्तों कुछ लोग लूटते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं। ये मैं आप लोगों को पहले वाली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो हरकतें होनी स्टार्ट होती हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की गलती होती है तभी ये सब बातें होनी स्टार्ट होती हैं। तो दोस्तों आज सारी बातें क्लियर करते हैं आप लोगों के साथ में। जैसे मैं भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को बढ़िया बढ़िया अपडेट्स लेकर आऊँगा, जो भी कंट्रोवर्सी चलती हैं इधर उधर की वो सारी आप लोगों के साथ में बताऊंगा, क्योंकि भाई आप लोगों तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हमारा काम है, क्योंकि हम एक यूट्यूबर हैं तो आप लोगों को बढ़िया बढ़िया कंटेंट देना भी हमारा काम है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सुनाते हैं आप लोगों को जेडी ब्लॉग्स और सुपर बाइक के जो डीलर्स में उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी बातें बताते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पिछली वीडियो जेडी व्लॉग्स में डाली थी और उन्होंने जैसा कि सीधा सीधा टारगेट किया जो सुपर बाइक्स के डीलर हैं जो कि करोल बाग में डील करते हैं बड़ी बड़ी सुपर बाइक्स के, तो उन्होंने उनको धमकियां दी थी और उनको मारने की भी धमकी दी थी और बहुत सारी कन्वर्सेशन उन्होंने अपनी चैट दिखाई थी। तो भाई उस चीज़ के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो जेडी व्लॉग्स यूट्यूबर को अपनी तरफ खींचते हुए इस बात को कहना चाहते हैं कि भाई यूट्यूबर को चीप बोला गया था, चीप यूट्यूबर्स, उन्होंने यूट्यूबर्स चीप बोला था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ उस यूट्यूबर को बोला था जो कि गलत करते हैं और गलत कंटेंट आप लोगों को लेकर आते हैं और गलत हरकतें करते हैं और गलत बातें करते हैं। तो दोस्तों और फिर जहाँ पर जेडी व्लॉग्स सभी यूट्यूबर को अपनी तरफ खींचते हुए ये कहना चाहता है कि भाई मेरे साथ में साथ दो, बिल्कुल हम लोग साथ देंगे आपका, क्योंकि भाई अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो हम सही का साथ देंगे, अगर आप ही गलत निकलोगे तो हम बिल्कुल उसका साथ नहीं देंगे। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कंट्रोवर्सी चालू आखिर हुई क्यों है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर कर दूँ, भाई शुरुआत इसकी हुई थी जेडी व्लॉग्स की एक छोटी सी हरकत के कारण जो कि उन्होंने की थी। भाई देखो जैसे कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, पहले मुझे बात तो कहना नहीं चाहिए ऐसा, बट फिर भी मैं ये बात बोलूँगा, मान लो कि कोई मुझे बुलंदियाँ छुआ देता है उसके बाद में मैं अपनी बुलंदी तक पहुँच जाता हूँ और उसके बाद में मैं उसी को ही सांप बन के डसने लग जाऊँ तो ये बहुत ही गलत बात हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ जेडी व्लॉग्स ने किया था। तो भाई उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, उनको फ़ोन आया किसी डीलर का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी डीलर का फ़ोन आया उनके पास में और उन्होंने उसे बुलाया कि भाई मेरे शोरूम पे आओ, आप वीडियो बनाओ। और जेडी व्लॉग्स ने उनको साफ बोला कि भाई जितना भी मेरा आने जाने का खर्चा लगेगा, पैसा लगेगा, वो आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम लोग आप लोगों को फेम देते हैं, आपका प्रमोशन करते हैं, उसके बाद में आपकी वीडियो पब्लिक तक पहुंचती है। तो भाई कहीं ना कहीं पैसे मांगने की बात ठीक भी थी और कहीं ना कहीं गलत भी थी, क्योंकि अगर आप लोग किसी से पैसा मांग रहे हैं तो भाई किसी ऐसे बंदे से पैसा मांगो जो जिसने कि आपका साथ ना दिया हो और आप लोग उससे कमाने के लायक हो। तो भाई उससे पैसा मत मांगो जिसने कि आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट दिए हों और आप लोगों को आगे तक पहुँचाया और आप लोगों को उसी की कंटेंट की वजह से बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले हों। तो दोस्तों रही बात कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई थी, तो भाई जेडी व्लॉग ने सुपर बाइक के डीलर से पैसे मांग लिए थे और उसके बाद में इस चीज़ की शुरुआत हो गई और उनके बीच में कहा सुनी हुई और बातचीत हुई, उसके बाद में जेडी व्लॉग्स ने शुरू कर दी है कंट्रोवर्सी कि भाई कहीं ना कहीं फिर चैटिंग चालू हुई और उसके बाद में यूट्यूबर्स को चीप बोला गया, उसके बाद में ही ये बातें शुरू होना स्टार्ट हुई। तो दोस्तों एक सुपर बाइक के डीलर हैं जो कि करोल बाग में सरस्वती मोटर्स के नाम से प्रसिद्ध हैं और जसमीत सिंह नाम है उनका। दोस्तों उन्होंने अपनी डिग्री भी दिखाई थी अपनी यूट्यूब वीडियो में। तो दोस्तों बाइक स्टूडेंट, उसके बाद आई डिड माई बीटेक, यस आई एम एन इंजीनियर, एंड उसका प्रूफ देने के लिए, क्योंकि हर बात अब प्रूफ पे हो रही है, सिर्फ बातें नहीं होती है, तो प्रूफ देना चाहूँगा। एक बारी भरत, एक बारी प्लीज, ये छोटी छोटी हरकतें मुझे पता नहीं क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि ये कुछ यूट्यूबर्स की वजह से
दिस इज द प्रूफ, ये आपके सामने है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, दिस इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। उसको सीधा सीधा टारगेट करते हुए जेडी व्लॉग्स ने अपना एक वीडियो डाला है 4 तारीख को, जो कि आज ही डाला है, और आज के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और उसके बाद में ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से ही ताली बजती है, तो उन दोनों की ही कहीं ना कहीं गलती थी। उनकी बातों को सीधा सीधा उन लोगों को आपस में सुलझाना चाहिए था, लड़ना नहीं चाहिए था। मैं तो किसी को गलत कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता किसी को लड़वाने का या किसी के बारे में गलत कहने का। हम लोग नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हम लोग अच्छी बातें सिखाते हैं और अच्छी बातें ही आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। जसनीत पाजी भी अपने भाई हैं और जेडी ब्लॉग्स भी अपने भाई हैं, क्योंकि वो भी यूट्यूबर हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई और आज ही उन्होंने एक वीडियो डाली है, उसमें भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई कि उन्होंने सीधा सीधा बताया कि भाई मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूँ। एक आप क्लिप देखिए, छोटा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप ये छोटा सा क्लिप देखिए, उसके बाद में वीडियो पर आइए, आप लोगों को फिर जवाब देता हूँ। आज जेडी व्लॉग्स हार गया। लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं किसी की इमेज गिराने के लिए, झूठ को सच दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सो भाइयों, आज एक स्ट्रेट जेडी व्लॉग्स का जवाब। भाई तुम चीप यूट्यूबर्स बोलते हो ना, बड़े एक बारी नाम तो ले लो, कौन है चीप यूट्यूबर्स? और गोल्डी भैया से भी पूछ के बता देना उन सांपों के नाम क्या है। सो मैं अब अपनी प्यारी ऑडियंस जो मेरी जेडी ब्लॉग्स डेली की फैमिली है उससे पूछता हूँ, क्या बता दें इनकी बाइक की सच्चाई जो जेडी के पास खड़ी है 2382, बता दें? कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर मेरे प्यारे भाई जसनीत, तुमने कमेंट सेक्शन में जेडी ब्लॉग्स की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश करी है ना, वो भी बड़ी शिद्दत से ना, तो चलो शुरू करते हैं। सो मेरे भाई, लोग आपकी बाइक्स देखने आते हैं और डॉक्यूमेंट्स देखने आते हैं, डिग्री देखने नहीं आते हैं, ठीक है? वेल, आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट, मच बेटर एजुकेटेड देन यू आर। MBA मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। मेरे को तो अब पता चल रहा है जो बाइक्स सेल आउट कर रहा है वो शोरूम का ओनर ही नहीं है। शोरूम का ओनर तो कोई और है, तुम तो सेल्समैन हो। सो लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। आप बोल रहे हो हमारे करोलबाग में एक बहुत फेमस भैया है, अरे नाम लो ना, गोल्डी भैया। मैं ही बोलता हूँ, जाके पूछो अपने गोल्डी भैया से उन सांपों के नाम और बता दो जनता को कौन थे वो सांप। गोल्डी भैया से ही बुलवा दो, अब सच्चाई आई है तो ढंग से ही बाहर आ जाए। मेरी प्यारी ऑडियंस, मुझे एक बात बतानी है स्पष्ट सब शब्दों में, छोटी सी। सो आपने बोला कि जेडी व्लॉग्स पैसे लेता है। सो भाई बताता हूँ, हाँ मैं पैसे लेता हूँ, ये मेरी मेहनत है। सो आप जैसे लोगों को फेस वैल्यू मिलती है, ठीक है? मेहनत मेरी है, आप लोगों को फेस वैल्यू मिलती है। एडिटिंग मेरी है, आना जाना पेट्रोल खर्चा सारा मेरा है, सारी मेहनत मेरी है, इक्विपमेंट मेरी है, फ्री में प्रमोशन कौन ले रहा है? और तुम सब यूट्यूबर्स के चैनलों पे आके, ठीक है, अपनी फेस वैल्यू बनाते और खुद ही बन जाते हो, आ जाते हो यूट्यूब पे चैनल बना के, क्यों? दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ये क्लिप देखा, इसमें सीधा सीधा बताया गया कि भाई तू पढ़ा लिखा है तो मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैंने भी MBA किया हुआ है, ये क्या हुआ है, वो क्या हुआ है। भाई यहाँ पर कोई डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। यूट्यूब पर आप आते हो, आप लोगों को कंटेंट देना होता है, पब्लिक को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। यहाँ पर कोई डिग्रियाँ बांटने वाला सीन नहीं है या फिर दिखाने वाला सीन नहीं है। आप लोगों से कोई भी यहाँ पर प्रूफ नहीं मांगता, यहाँ पर सिर्फ सच्चाई चलती है। अगर आप लोग सच्चे हो तो आप लोगों के सब्सक्राइबर बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप लोग एक दूसरे से कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ना चाहते हो तो ये बहुत गलत बात होती है। और आप लोग कहीं ना कहीं, मैंने ये चीज़ देखी है आजकल यूट्यूब पर जो चल रहा है, एक दूसरे से जो भी फेमस यूट्यूबर होते हैं आपस में कंट्रोवर्सी करके और जो जितनी भी पब्लिक होती है उसको बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई हमारे बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, हमारे साथ ये हुआ, मुझे ये धमकियाँ आई, मुझे मारने की धमकियाँ आई या मुझे कुछ भी आया, मतलब ये सब चला के उसके बाद में पब्लिक को घुमा फिरा के इकट्ठा करके और फिर सब्सक्राइबर बना के और ऐसे ही झोल झाल करके और फिर बाद में वो सभी लोग एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं और मौज उड़ाते हैं। तो दोस्तों, बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे कंटेंट की सच्चाई दिखे आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं कैमरे के सामने कुछ और होते हैं और कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं। तो दोस्तों, इनकी जो बातों पर है इतनी सच्चाई में ध्यान मत दीजिए। दोस्तों, आप लोगों में एक ही चीज़ बताऊँगा, कभी भी आप लोग
किसी की भी वीडियो देख के किसी को भी नेगेटिव कमेंट ना करें और किसी के बारे में बुरा ना बोलें। जहाँ पर देखा जाए कि जेडी ब्लॉग अपनी जगह सही है, जसनीत भाजी अपनी जगह सही है और गोल्डी भैया अपनी जगह सही है, क्योंकि भाई जितने भी डीलर हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, वो उनका बिजनेस है। पर है, अगर आप लोगों को किसी बात की नॉलेज नहीं है तो आप लोग एक नॉलेजेबल बंदे को साथ में ले जाके आप लोग अपनी चीज़ को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं वहाँ से। और आप लोग नॉलेज के बिना तो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। आप लोग सोचेंगे कि भाई सुपर बाइक्स में ही ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो सुपर बाइक बंदा वही खरीदता है जिसके पास ढेर सारा पैसा है और वो उसको अफोर्ड कर सकता है, तभी वो उस चीज़ को खरीदता है, वरना कोई फालतू में ऐसे लोचपोच नहीं करता और इस चीज़ में घुसता नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई और आप लोगों को ये बातें कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई नज़र आई हो और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का जो जेडी ब्लॉग्स ने डाली थी, और उन्होंने बहुत ही मतलब आपस में मतलब गलत बोला जा रहा है, इधर की बातें उधर की जा रही हैं और धमकियां भी दी जा रही हैं। तो भाई ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ बस एक बन के रहो, एक साथ रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करो ताकि हर कोई तरक्की कर सके, हर कोई आगे बढ़ सके। एक दूसरे के कंधे पे पैर रख के उसको नीचे गिराने की कोशिश मत करो। तो भाई यही बातें मैं आप लोगों को हर वीडियो में सिखाता हूँ और अभी भी आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, गलत का साथ कभी मत देना और किसी की शक्ल में मत जाना और किसी की बातें सुन के उसकी सराफत पे मत जाना। दोस्तों, उसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। बस आप लोगों को जज करना है अपनी सोच से, अपने दिमाग से। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना ही बताना आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि मुझे एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को देना है। अगर आप लोग किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो वो वीडियो मैं आप लोगों को बना के दूंगा, किसी बाइक के बारे में, किसी सुपर बाइक के बारे में। कुछ भी आपको रिव्यू चाहिए या फिर पूछना है तो आप लोग कमेंट करें, और आप लोग मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID पे। इंस्टाग्राम ID आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर आ रही होगी। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का बटन साइड में आ रहा होगा। तो भाई, बाय बाय।